अपना विधायक अपनी चौपाल। जी हां, जन जन से जुड़ने का ये अभियान विधायक चुने जाने के 15 माह बाद सांवेर के बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर 14 मई से प्रारंभ करेंगे। अभियान के चलते विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी 230 गांवों में पहुंचेंगे और चौपाल पर बैठकर ग्रामीण किसानों की मूलभूत समस्याओं, उनके अधिकारों, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही अगले एक साल में वो कौन सी सुविधा चाहते हैं इसकी जानकारी लेंगे। इस अभियान के दौरान विधायक रात्रि विश्राम भी गाँवों में ही करेंगे। इस अभियान के तहत विधायक डॉक्टर सोनकर पंडित दीनदयाल की अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते दिखाई देंगे। इस अनूठे अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में विधायक पिछले 2 माह से जुटे हुए हैं। अभियान का आगाज हो इससे पहले विधायक सोनकर ने डीजी न्यूज संपादक बालकृष्ण मुले से अपना विधायक अपनी चौपाल कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की। मध्य प्रदेश में पहली बार अपना विधायक अपनी चौपाल एक नया कंसेप्ट लेकर आए सांवेर के विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर। राजेश सोनकर जी, आपका डीजी न्यूज में स्वागत है। बताइए, किस तरह का नया एक अभियान शुरू करने वाले हैं? पहली बार आप विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बनने में आपने बड़ा सा कार्यक्रम तैयार किया है, पूरे एक महीना पूरा कार्यक्रम चलेगा, गर्मी के दिनों कैसे पूरा हो पाएगा, किस तरह के बिंदु रखे गए उस कार्यक्रम में, किस तरह के सांवेर के मतदाताओं को, सांवेर के रहने वालों को, सांवेर के खासतौर से किसानों को इस कार्यक्रम के चलते भारतीय जनता पार्टी फायदा पहुँचाएगी? मुझे ऐसा लगता है सांवेर क्षेत्र के सेवा करने का जो सौभाग्य मुझे क्षेत्र की जनता ने दिया है, मैं निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे मन में हमेशा एक विचार रहता है कि जो जवाबदारी हमें मिली उस जवाबदारी का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से हमको निर्वाह करना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि माह भले मई का हो या जून का हो, मुझे मौसम के असर की से ज़्यादा इस बात का उत्साह है कि सांवेर के लोगों का प्यार और स्नेह मेरे साथ बराबर बना है, उसी उत्साह के कारण मैं अपने जवाबदारी को पूरा करने लोगों के बीच में जा रहा हूँ। पिछले 16 माह से लगातार जो सांवेर के विकास के लिए मैंने काम किया उसका लेखा जोखा लेकर, उसका बही खाता लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लोगों ने जो विश्वास मुझ पर किया है, उस विश्वास में मैं कितना खरा उतर पाया हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या काम किए हैं, सांवेर विधानसभा के विभागवार आंकड़े लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक सांवेर विधानसभा के गाँव में अभी तक हमने जो विकास के काम किए हैं, उस विकास के काम की जानकारी और आगामी 1 वर्ष में हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं उसकी योजना वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठकर बनाई जाएगी। इस योजना के साथ हम लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। जैसे कि देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को अपने पूरे 15 माह बीत चुके हैं और 15 माह में नो डाउट आपने ढेर सारे वो विकास कार्य खोल दिए होंगे जो आप कहने की स्थिति में आ चुके होंगे। वो विकास कार्य किन लोगों तक पहुँचे हैं, वो कौन सी बड़ी योजना है जिस पर अभी सांवेर में फिलहाल काम चल रहा है? अभी हमारे सबसे बड़ी रोड वाला जो विषय था, तो मुझे इस बात को आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे व्यास खेड़ी से तराना जो मार्ग है वो लगभग 83 करोड़ की लागत से रोड को बनने की स्थिति में अभी है, उसका टेंडर भी लगने की स्थिति में आ गए हैं। उसका लाभ सांवेर क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से को मिलेगा, करीब 20-25 गांव के लोगों को उसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही छिपरा से सांवेर चंद्रावतीगंज होते हुए पास में हमारी लगी हुई देपालपुर विधानसभा के गौतमपुरा गाँव तक दूसरी रोड का भी बहुत तेजी से उसकी भी तैयारी चल रही है, आने वाले 1-2 माह में वहाँ पर भी टेंडर लगने की स्थिति है, वो भी लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से उस रोड बनने वाली है। तो ये 2 सड़कों का सीधा सीधा लाभ सांवेर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा। जैसे कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि पूरे 1 महीने का ये अभियान पूरा चलेगा अपना विधायक अपनी चौपाल, किस तरह लोगों से समस्याएं सुनेंगे, उन्हें कितने दिनों में पूरा करेंगे, साथ ही अभी तक कौन कौन से हितग्राहियों को आपने क्या क्या सुविधाएं, किस तरह की सहायता प्रदान की है, उस विषय में किस तरह का पूरा डाटा बनाने का एक आपका प्रोग्राम है, किस तरह काम करेंगे और कितने लोगों की टीम इस काम में आपके साथ रहेगी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के अलावा आपकी खुद की कौन सी टीम, कितने लोगों की टीम आपके साथ होगी? निश्चित ही मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिला है उसका जानकारी लोगों तक पहुँचाना, प्रत्येक गाँव में कितने हितग्राही ऐसे हैं जो इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनका नाम सहित पूरा ब्यौरा देकर हम इसके बीच में जाने वाले हैं और इसकी तैयारी करने में लगभग पिछले 1 माह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने जवाबदार कार्यकर्ता हैं वो भी लगे थे, जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ लगे थे, अधिकारियों से लगातार हर गांव की हमने जानकारी ली है, उसमें मेरे ऑफिस पे जितने मेरे सहयोगी जो काम करते हैं वो भी लगे हुए थे। निश्चित ही काम करने में समय और कठिनाई तो थी क्योंकि एक एक गांव का ब्यौरा हमको तैयार करना था, एक एक गांव में एक व्यक्ति से लेकर जितने भी अत्यधिक व्यक्तियों को लाभ मिला है
किस विभाग की कौन सी योजना का किस रूप में उनको लाभ मिला है, ये पूरी जानकारी लेकर हम लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। देखा जाता है कि आपकी ग्रामीण विधानसभा और 230 गांव तकरीबन इस विधानसभा में आते हैं, उन 230 गांवों को कितने सेक्टरों में विभाजित किया गया है, किस तरह की पूरी दिनचर्या रहेगी, किस तरह आप लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों से मिलने का और एक एक गांव को कितना टाइम देने का और वहां पर रात्रि विश्राम का जिस तरह का आपका कार्यक्रम है, कैसे आप समेटना चाहते हैं जमीनी स्तर को, जमीन पर अंत्योदय जो परिकल्पना है पंडित दीनदयाल जी की, उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? निश्चित ही हम सब परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर समाज के बीच में काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे इसके लिए हम काम कर रहे हैं, और ये काम शुद्ध रूप से सिर्फ जनता के लिए हो, जनता के विकास के लिए हो। हमारा इस कार्यक्रम का एक एक क्षण एक एक मिनट लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्या का निदान करना और काम पर है, इस बात का हमने इस पर विशेष ध्यान दिया है। इसलिए इस संपूर्ण कार्यक्रम में कहीं पर भी स्वागत सत्कार सम्मान इस कार्यक्रम को हमने इससे अच्छी तरह लगाया। विधायक के नाते मैं कहीं भी अपना स्वागत नहीं करवाऊंगा, मेरे साथ जो अन्य जनप्रतिनिधि होंगे अन्य पदाधिकारी होंगे उनका भी किसी प्रकार का स्वागत सम्मान का कार्यक्रम नहीं होगा। हम वहाँ पर लोगों के बीच में 10 से 15 मिनट तक उनकी समस्या सुनने के बाद वहाँ के विकास कार्यों की जानकारी देंगे। उसके पीछे हमारा उद्देश्य है, सांवेर के लोगों ने मुझे वहाँ का विधायक बनाया, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि वहाँ से चुनाव जीत कराए हैं स्थानीय चुनावों में, हमें उस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया है। अब आने वाले चुनाव में जब हम उनके पास वोट मांगने जाएंगे तो उनके विश्वास पर हम कितना खरा उतरे हैं उसका विश्लेषण वो करेंगे, हमने उनके लिए क्या काम करा है उसका विश्लेषण वो करेंगे, और विश्लेषण के बाद आगामी चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को वो वोट देंगे वो वोट हमारा सम्मान होगा, हमारा स्वागत होगा, इस उद्देश्य को लेकर हम उनके बीच में आए। देखा जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक अनूठे अभियान जब भी भारतीय जनता पार्टी लेती है उसकी शुरुआत इंदौर से होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के विधायक होने के नाते मध्य प्रदेश में एक पहला अभियान होगा जो अपना विधायक अपनी चौपाल के नाम से शुरुआत की गई। ये कंसेप्ट आखिर आपके मन में कितने सालों से रहा है कि आप जब विधायक बनेंगे, क्योंकि आप सावेर के भले ही विधायक ना हो लेकिन विधायक बतौर काम करते हुए आपको करीब 2 दशक हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में क्या आपकी परिकल्पनाएं ये शुरुआत के दौर से थी कि इस तरह से घुस के आप काम करेंगे? आपकी भी जमीनी पकड़ काफी मजबूत कही जाती है सागर विधानसभा की बात की जाए तो, क्या ये पुराने सपने हैं जो आप विधायक बनने के बाद पूरे कर रहे हैं? निश्चित रूप से छात्र जीवन से ही राजनीति में लगाव रहा और कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा मन में रहा, लोगों ने अगर काम करने का अवसर दिया है सौभाग्य मिला है तो कुछ हटके किया जाए जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे, मतदाताओं के बीच में पहुंचे। और रही बात सांवेर विधानसभा क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से पिछले करीब 20 वर्षों से मैं सांवेर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय प्रकाश शंकर जी के सानिध्य में मैंने वहाँ काम किया है, मेरा सौभाग्य रहा उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उस समय भी जब मैं उनके साथ में काम करता था तब भी सांवेर में कुछ ना कुछ नया करने का हमारा प्रयास रहता था। उस समय खेल के क्षेत्र में भी हमने कई कार्यक्रम ऐसे करवाए, स्वदेशी खेल कुंभ वगैरह, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विलुप्त हो चुके खेल वो लोगों के बीच में वापस से आए, लोगों को उनके बारे में जानकारी मिले, उन खेलों को बढ़ावा मिले, उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे और समाज में और जो लोगों को दिशा देने वाला काम ऐसा करने का प्रयास शुरू से रहा। जनता ने चूंकि अब जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे अवसर दिया है तो निश्चित ही वो अवसर को मैं अपना सौभाग्य समझते हुए उसके प्रति काम करना अपना दायित्व समझता हूँ। इसलिए मेरे मन में जिस दिन से मैं विधायक बना उस दिन से ये बात थी कि मैं कुछ नया लोगों के लिए करूँ, लोगों की जो अपेक्षा है उनकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूँ। इसीलिए इस सब बात को ध्यान रखते हुए अपना विधायक अपने चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जाना हो, जाना तो लगातार उनके बीच में होता है, हर सुख दुख के कार्यक्रम में उनके बीच में रहता हूँ, हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में जाना होता है, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा जहाँ हम चौपाल पर बैठेंगे, चौपाल पर बैठ कर जानकारी तो कार्यों को देंगे, उनकी और अपेक्षाएं क्या हैं विधायक के बाद, उस गांव की वो किस प्रकार से कल्पना कर रहे हैं और उस कल्पना में वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, हमसे क्या सहयोग रखते हैं, वो हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर इस चौपाल पर उस गाँव के विकास की योजना साथ में तैयार करें, उस गांव के विकास के लिए काम करें, ये इस उद्देश्य में हम आपको इस अभियान के चलते पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि व्यापम घोटाले में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पर लगातार आरोप लगते रहे और वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके टिक नहीं पाए, किस तरह का इस अभियान के माध्यम से शिवराज जी का उजला चेहरा आप दिखाने की कोशिश करेंगे संगठन के माध्यम से? निश्चित ही शिवराज जी का चेहरा तो उजला है, उसी का परिणाम है तीसरी बार मध्य प्रदेश में जनता ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के विकास की बागडोर दी।
दिग्विजय सिंह जी मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में या भारत की राजनीति में उससे बड़ा झूठा चेहरा कोई नहीं राजनीति का। उनका काम शुरू से षड्यंत्रकारी रहा, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी विकास की बात कभी नहीं करते थे, विकास में उनका विश्वास कभी नहीं था। वो कहते थे उस समय भी उनका कहना था कि काम करने से वोट नहीं मिलता। तो जो व्यक्ति काम में विश्वास नहीं कर सकता, सिर्फ जोड़ तोड़ में विश्वास करता है, वो व्यक्ति का सोच, उस व्यक्ति का चरित्र जनता के बीच में पहले ही आया। उसी का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। माननीय शिवराज सिंह जी के ऊपर जिस प्रकार का आरोप और आक्षेप लगाकर सरकार को अस्थिर करने का उन्होंने प्रयास किया था, उसका जवाब माननीय उच्च न्यायालय ने उनको दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री सिंह जी को क्लीन चिट देकर इस बात को जनता के बीच में उनका विश्वास व्यक्त बढ़ाया है। और उसी बात को लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, इस विषय पर हम लोगों के बीच में इस बात को रखेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने जिस षड्यंत्रपूर्वक आरोप लगाए थे वो बात लोगों के बीच में आएगी, और शिवराज सिंह जी जो विकास का निरंतर कार्य कर रहे हैं वो बात लोगों के बीच में पहुँचाएंगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का एक अभियान है महाजनसंपर्क अभियान, आपका खुद का अभियान है अपना विधायक अपनी चौपाल, क्या ये दोनों अभियान एक साथ साथ चलेंगे? निश्चित ही, क्योंकि महाजनसंपर्क अभियान जो है पार्टी का वृहद कार्यक्रम है, संगठन के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम जो अपना विधायक अपना चौपाल ये भी चलेगा, तो दोनों ही कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। दोनों के साथ में हम जनता के बीच में जाके पार्टी के जनसंपर्क अभियान के साथ साथ अपना विधायक अपना चौपाल कार्यक्रम को भी संचालित करेंगे। किस तरह के संकल्प दिलवाएंगे आप इस दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, खासतौर से उन ग्रामीणों को जो आपसे जुड़े हुए, साथ ही किस तरह के सम्मान के कार्यक्रम भी रखे गए जिससे छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, वो जुड़े रहे, जमीन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम होता रहे? ग्रामीण क्षेत्र में एक बात अभी भी कहीं ना कहीं इस बात को देखने में आता है कि छात्राओं की शिक्षा के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए अभी भी कुछ जागृति, जन जागृति की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई हैं उनको और उनके परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको सम्मान चौपाल पर बुलाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। साथ में खेल के क्षेत्र में भी जिन बच्चों ने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, कहीं चयन उनका हुआ किसी स्पर्धा में, उनका सम्मान करेंगे। साथ में कई लोग ऐसे होते हैं जो गांव के लिए अच्छा काम करते हैं, प्रेरणा का काम करते हैं, गाँव को दिशा देने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गाँव तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी उस मंच से बुलाकर, चौपाल पर बुलाकर हम उनका सम्मान करेंगे ताकि गांव के अन्य लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। साथ में नीचे एक बहुत छोटा सबका जो बस्तियों में रहने वाली, काकड़ में रहने वाली गरीब परिवार की जो महिला, निम्न स्तर की जो महिला होती हैं, उनके उत्थान के लिए हमारी आंगनवाड़ी की जो बहनें होती हैं, हमारी आशा कार्यकर्ता जो हमारी बहनें होती हैं, स्व सहायता समूह चलाने वाली जो हमारी बहनें होती हैं, ये निश्चित ही बहुत अच्छा काम करती हैं। गांव के वो छोटे छोटे परिवार के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती हैं। गांव की 25-50 महिलाओं का समूह बनाकर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनको रोजगार प्राप्त कराने का काम करती हैं। लेकिन ऐसा देखना है कहीं ना कहीं वो सम्मान से या जिस चीज़ का उनका हक है उससे वंचित रहती हैं। तो उनको भी ग्राम चौपाल के इस कार्यक्रम में बुलाकर उनका सम्मान करना, उनको प्रोत्साहित करना है कि वो जो काम कर रहे हैं वो कोई काम साधारण काम नहीं है, सामान्य काम नहीं है, वो बहुत प्रेरणादायी काम है, उत्कर्ष काम है, उस काम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले, इसलिए हम उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम में करने वाले। कार्यक्रम का 15 जून को समापन किया जाएगा, किस तरह की रूपरेखा रखी गई है कार्यक्रम की, क्या प्रदेश के मुखिया इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि अनूठी पहल है आपकी अपना विधायक अपनी चौपाल को लेकर? सावरी विधानसभा के कुछ बड़े काम भी हैं जो लगभग पूर्णता की ओर हैं। करीब 1 करोड़ हमारी जो दोगराड़ा से कंपेल क्षेत्र से होते हुए सावरी विधानसभा के डबल चौकी ग्राम तक जाती है, उसका 75% क्षेत्र जो है सावरी विधानसभा को पूर्ण करता है, वो रोड बन के लगभग तैयार हो चुकी है। तो 54 करोड़ रुपये की लागत की रोड है। तो प्रयास है हमारा, हमारी सांसद और समय लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ताई जी और उनके साथ प्रदेश के मुखिया जी शिवराज सिंह जी से भी हम चर्चा करने वाले हैं। उनका समय मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उन दोनों को इस कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं। सावर की जनता भी चाहती है कि वो उनके बीच में आए, तो हमारा प्रयास रहेगा अगर उनका समय मिलता है तो निश्चित इस कार्यक्रम के समापन में हम उनको आमंत्रित करेंगे। सावर विधायक डॉक्टर आयस सोनकर का एक अपना अभियान है अपना विधायक अपनी चौपाल, और इसी अभियान के चलते वो सागर के 230 गांव तक पहुंचेंगे, उन जन जन तक पहुंचेंगे जिसे अंत्योदय कहा जाता है, उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार की जितनी स्कीम्स है उनके बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही ये भी पता करने की कोशिश करेंगे आखिर गाँव के ग्रामीण
किसान उनसे अगले एक साल में क्या सब कुछ चाहते हैं। इसके पीछे एक राजनीतिक एंगल और एक मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से सावेर विधानसभा हमेशा एक उलट पुलट, हमेशा रोटी को उलटने पुलटने वाली विधानसभा के रूप में जानी जाती है, ऐसे में 15 माह बाद ही डॉक्टर आर एस सोनकर का एक बार फिर सक्रिय होना बताता है कि अगले चुनाव की तैयारी, अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी डॉक्टर आर एस सोनकर की तरफ से अभी से कर दी गई है। कैमरामैन योगेश निम के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डीजी न्यूज, इंदौर।